तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल की सेटिंग किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो आप अपने चैनल को किस प्रकार से सेटिंग कर सकते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की डेस्कटॉप स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे चैनल ओपन है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे अपने चैनल की जो सेटिंग है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लाइव अपने चैनल को खोल के यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस प्रकार से अपने YouTube चैनल की सेटिंग वगैरह को मैनेज कर सकते हो, सेट कर सकते हो। और मैंने अभी यहाँ पे देख, सबसे पहले आपको कस्टमाइज पे जाना है। तो कस्टमाइज में आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही मैंने कस्टमाइज पे क्लिक करा कुछ इस प्रकार का डेस्कटॉप ओपन होता है या फिर इसको पेज ओपन होता है, इसको कर सकते हैं। सेटिंग पे जाना है, इसके बाद में सेटिंग में जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको जो चैनल है यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा, यहाँ पे आपको कुछ भी शेयर नहीं करना है और यहाँ पे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद में आप देख सकते हैं बेसिक जो सेटिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आपको यहाँ पे इंडिया कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं मैंने इंडिया लिख रखा है, तो इंडिया यहाँ पे कर देना है। उसके बाद में सेकंड जो है आपकी कीवर्ड, आपकी चैनल की जो कीवर्ड है वो आपको यहाँ डाल रहे हैं। कीवर्ड कौन कौन सी है वो आप अपने अनुसार डाल देना, 5 से 6 मैंने यहाँ पे 3 डाल रखे हैं, लेकिन आप यहाँ 500 वर्ड के यहाँ दे सकते हैं, 500 वर्ड तक के कोई भी कीवर्ड यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 डाले हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, 500 तक के कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं एडवांस सेटिंग चलते हैं। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑडियंस की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका मतलब ये है, फर्स्ट वाले बड़े बताते हैं, यस सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स, आई ऑलवेज अपलोड कॉन्टेंट दैट मेड फॉर चिल्ड्रन। कहने का मतलब है कि ये जो आप कॉन्टेंट बना, जो भी वीडियो आप बनाओगी, ठीक है, ये क्या बच्चों से रिलेटेड है या बच्चों के लिए बना रहे हो, ठीक है, ये कहना चाह रहा है ये। सेकंड नंबर का जो है कि नो सेट दिस चैनल इज नॉट मेड फॉर किड्स, नेवर अपलोड कॉन्टेंट इज मेड फॉर चिल्ड्रन। कहने मतलब ये है कि आप क्या ये जो वीडियो बना रहे हो वो क्या ये बच्चों को देखने लायक है या नहीं, देखने लायक नहीं है, मतलब अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर करना है, अगर देखने लायक है बच्चों के तो आप इसको ऊपर जो फर्स्ट वाला है उसको यस कर देना है। ठीक है, थर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, अगर आप हर वीडियो के लिए इस सेटिंग को चेंज करना चाहते हो तो आप तीसरे ऑप्शन का यूज कर सकते हो। पहले का मैंने बता दिया, पहले का अगर बच्चों के देखने लायक आपकी सामग्री कॉन्टेंट है तो आप उस पर यस कर सकते हो, या फिर अगर बच्चों के देखने लायक कंटेंट नहीं है तो उस पर नो कर सकते हो। तीसरा, आप हर वीडियो में तीसरे ऑप्शन क्लिक कर सकते हो कि हमें इस ऑप्शन को हर ऑप्शन में यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये तीसरा है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे ऑटोमेटिक कैप्शन, इसको सबको छोड़ देना। आप सब्सक्राइबर काउंट पर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो लोग देख सकते हैं नहीं देख सकते, जो भी वीडियो आपके चैनल पर जा रहा है वो आपके सब्सक्राइबर को देख सकता है नहीं देख सकता। अगर आप उसको दिखाना चाहते हो तो इस पर क्लिक मत करना, अगर नहीं दिखाना चाहते इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, अगर दिखाना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर देना, नहीं दिखाना चाहते इस पर क्लिक मत करना। तो अभी वैसे भी YouTube के एक नया अपडेट आ गया जिसमें जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी चैनल्स के, वो सारे सब्सक्राइबर शो पब्लिक के सामने शो होने लग जाएंगे, मतलब ये सुविधा बंद कर दी जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं क्लिप्स पे ये ऑटोमेटिक रहता है, इस पर आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसके बाद में कुछ नहीं करना आपको, मात्र यहाँ पे 2 सेटिंग है जो सब्सक्राइबर की, एक ये नो, ये 3 फर्स्ट वाली, इन दोनों में से एक आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं तीनों में से। बाकी यहाँ तो आप सब्सक्राइबर काउंट रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो, ये लोग दिखाना चाहते हो नहीं दिखाना चाहते हो, वो रखना है। ठीक है, वो आपको इस पर क्लिक करना है नहीं करना वो आप पर डिपेंड करता है। सेकेंड है फीचर एलिजिबिलिटी, ठीक है, इसको आप कैसे कैसे रहते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करना। ठीक है, जो सेटिंग है वही मैं बता रहा हूँ, बाकी चीज़ों को मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि देखो बाकी चीज़ों के बारे में बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल आप एक नए यूट्यूबर हो तो आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे सारी चीज़ों का ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सेकेंड जो ऑप्शन है वो अपलोड डिफॉल्ट, ठीक है, अपलोड डिफॉल्ट में आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसमें है, देख सकते हैं आप अपने चैनल का नाम डाल सकते हो, जो टाइटल है, ठीक है, चैनल का जो टाइटल है वो यहाँ डाल देना। अब डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, ये आपको बनाना है कि आप चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में उसमें क्या रखना चाहते हो। ठीक है, मतलब वीडियो जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या रखना चाहते हो, यहाँ आप वो लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको अच्छे लगे, बहुत से जो यूट्यूबर है वो अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के रखते हैं, तो आप वहाँ से
कॉपी कर सकते हो और अपना कुछ भी चैनल वगैरह नाम को जो भी आप रखना चाहते हो वो यहाँ पे इस पर रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अपने चैनल पहले बनाया था, जो जैसे कि नमस्कार दोस्तों, हमें हमारे चैनल बनाना टाइम मोबाइल स्वागत है, यहाँ आपको मोबाइल लैब के बारे में जानकारी, तकनीकी जानकारी संबंधी वीडियो मिलेगी जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, बस मैंने इतना से लिखा है और या इसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नीचे लिख दिया थैंक्स फॉर वॉच, थैंक यू सो मच, इतना से लिखा है मैंने बस इसको डिस्क्रिप्शन में, जो कि मेरा हर वीडियो में ये शो होगा। ठीक है, आप भी इस प्रकार से लिख सकते हो या कुछ और अगर आप रखना चाहो तो भी यहाँ रख सकते, मतलब वीडियो के बारे में जानकारी देनी है यहाँ पे आपको। तो दोस्तों, इस प्रकार की बहुत सी वीडियो देखने के लिए और इस प्रकार की बहुत सी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन होगा अंगूठे का, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इस प्रकार की बहुत सी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एडवांस सेटिंग में चलते हैं, अगले एडवांस सेटिंग में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड लाइसेंस ये देख सकते हो, ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होगा स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रखना है आपको। कैटेगरी में साइंस टेक्नोलॉजी दे रखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपका चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो ये एजुकेशन है। कॉमेडी से रिलेटेड कॉमेडी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और किसी गेमिंग से रिलेटेड है तो गेमिंग कर सकते हो। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है तो यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट कर, चैनल किससे रिलेटेड है आपका उससे इस पर डिपेंड करता है। तो मेरे यहाँ फिलहाल चैनल जो टेक्नोलॉजी मतलब यूट्यूब से साइंस और टेक्नोलॉजी संबंधित, तो मैंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे कर रखा है। जो मेरा सेकंड चैनल है फनी डोगरियाज, उसमें मैंने कॉमेडी कर रखा है, ठीक है। तो अलग अलग मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, आप उस हिसाब एंटरटेनमेंट कर रखा है मैंने फनी डोगरियाज के अंदर, एंटरटेनमेंट लिखा है, तो आप भी उस हिसाब से अपना चैनल जो भी है वहाँ इसे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगले चलता है लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन। तो यहाँ आपकी जो वीडियो जो लैंग्वेज है वो कैसी रहेगी, कैसी है, मतलब हिंदी में है, इंग्लिश में, फिर अदर लैंग्वेज में है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। या मेरी फिलहाल यहाँ पे हिंदी में है तो मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। कैप्शन सर्टिफिकेट, कैप्शन जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये आपका जो फर्स्ट नंबर का आप देख सकते हो, दिस कॉन्टेंट हैज़ नेवर एड ऑन टेलीविजन इन द US, तो फर्स्ट नंबर का आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। उसके बाद में ये देख सकते हो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, आप इसको सेलेक्ट करना चाहते तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट्स में आ सकते हैं नीचे होल्ड या ऑटोमेटिक की यहाँ पे सेट रहता है, तो इस आप अगर नहीं है तो होल्ड और ये शो हाउ मेनी व्यूअर लाइक दिस वीडियो, उसको आपको कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन में से अभी आपकी आवश्यकता नहीं है, जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तब जाके तभी इसकी आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल यहाँ पे आपकी इसमें कोई भी सेटिंग नहीं करनी है आपको। परमिशन में चलते हैं, परमिशन देख सकते हैं यहाँ पे परमिशन, ये इसलिए होता है दोस्तों, मैंने समझ कि आप इस चैनल को किसी अदर चैनल पर ट्रांसफ़र करना चाहते हो या किसी अदर मेल पर ट्रांसफ़र करना चाहते हो या किसी को ऑनर बनाना चाहते हो, तो वो इसलिए इस परमिशन का, इस ऑप्शन का हमको हम उपयोग करते हैं, ठीक है। मैनेज परमिशन ऊपर वाले का, ठीक है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट वाले पे, कम्युनिटी पे चलते हैं। कम्युनिटी जो है इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, और यहाँ आप नीचे देख सकते, अगर यहाँ पे कुछ यूजर्स को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप उनको यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने कुछ कर रखे हैं, तो आप भी कर सकते हो। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट में, डिफ़ॉल्ट में ऐसा कुछ है नहीं खास करने के लिए, वो ऑटोमेटिक सेट होता है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। चलते हैं अगले एग्रीमेंट के अंदर, एग्रीमेंट में भी सब कुछ सेट है, आपको कुछ नहीं करता, जो सेटिंग मैंने बताई वही आपको कर लेनी है, कुछ नहीं करना, ठीक है। ये दोस्तों आपको कर लेना है, अगर आप एक यूट्यूबर नया चैनल बनाया है और एक अच्छा यूट्यूबर बनना चाहते हैं, सेटिंग कर लेना, वीडियो डेली डालना, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। मैंने ये गलती की है जिसकी वजह से मैं आज तक कामयाब भुगत रहा हूँ, मैंने 6 महीने तक कोई वीडियो नहीं डाला। YouTube से मेरे पास मेल चैनल मोनेटाइजर, YouTube से मेरे पास मेल आ चुके हैं कि अगर आपने जल्दी इस पर वीडियो नहीं, 30 दिन के अंदर वीडियो नहीं डाला तो आपका चैनल, आपका मोनेटाइजर रद्द कर दिया जाएगा। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, मैं उसके बाद में वीडियो डालने लगा था, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था, और अब मेरे जो मैंने जैसे ही वीडियो डाला उस पर व्यूज़ भी है वो भी काफ़ी कम हो गए हैं, जो कि मेरी गलती है। और इससे पहले मेरे चैनल पर काफ़ी व्यूज आते थे, तो अब मैं फिलहाल कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप भी ऐसी गलती मत करना दोस्तों। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक चीज़ और रह गई है दोस्तों, मैं बता देता हूँ इसकी, जो आप देख सकते हो ये तो हमारी थी YouTube के अंदर की सेटिंग, और जिसकी ब्रांडिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन ये वगैरह है वो भी आपको यहाँ बता देता हूँ मैं। तो देखते हैं लेआउट में चलते हैं, पहले तो लेआउट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हो, एक मिनट, अच्छा सर लेआउट तो इसमें तो कुछ नहीं करना, ये आपको बाद में काम देगा। फिलहाल जो ट्रेलर है वगैरह वो बाद में डाल लेना, क्योंकि आप जब तक चैनल वीडियो नहीं बनाओ तब तक ये नहीं कर सकते, इसके लिए कम से कम आपको वीडियो इसमें होनी आवश्यक है, 5-7 वीडियो होनी चाहिए, तब जाके ये आगे लेआउट का आप सेट कर सकते हो।
ब्रांडिंग चलते हैं। ब्रांडिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने चैनल का जो लोगो है वो यहाँ सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 MB का होना चाहिए, 98 से इंटू 98 यहाँ करना है। ये लोगो किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार सेट कर जाता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा नीचे आ सकते हो, आप देख सकते हो नीचे ये आपके चैनल का बैनर है। बैनर मैंने ज़्यादा बनाया नहीं, मैंने सीधा नॉर्मल तरीके से यहाँ पे लिखा है, हो सकता है आगे जाके मैं बना दूँ, ठीक है। उसके बाद में आप चैनल का जो नीचे ये देख सकते हो इसका एक चैनल का जो लोगो है वो भी आप यहाँ पे सीधे सेट कर सकते हो एंड्राइड करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हर वीडियो के लिए कर रखा है, तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सेटिंग है ये, तो आप कर सकते हो। इसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन में चलते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपकी जो चैनल है वो किससे रिलेटेड है, वो सारी जानकारी आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा नमस्कार दोस्तों, हमारा स्वागत है, आप इस आपको यहाँ पे मतलब कॉमेडी से रिलेटेड है या फिर एंटरटेनमेंट से मूवी से रिलेटेड है या फिर किसी अदर एजुकेशन रिलेटेड है या किसी अदर किसी या फिर एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर अदर किसी और चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। अभी मैंने आप देख सकते हैं यहाँ लिखा मामा आपका हमारे चैनल बना टाइम में बहुत बहुत स्वागत है, आपको मोबाइल ऐप की मेरी जानकारी तकनीकी जानकारी संबंधित वीडियो मिलेंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दिया और नीचे अपने चैनल का नाम और यहाँ पे कुछ जानकारी लिख दिया। आप ये देख सकते हो, अगर आपको ये बनाना नहीं आता तो किसी भी चैनल पर जाना, ठीक है, और उस चैनल के लास्ट में यहाँ पे अबाउट में जाना। अबाउट में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो, उसको आप कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद में उसमें आप अपने चैनल का नाम वगैरह और जो भी है उसको वहाँ डाल सकते हो सीधे, ठीक है, और उसको कॉपी करके अपने चैनल में डाल देना। तो ये था और छोटी मोटी सेटिंग। इसके अलावा आप लिंक अपने चैनल में इसमें लिंक भी दे सकते हो, जैसे ट्विटर का अगर आप कोई अकाउंट है तो वो भी डाल सकते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट है तो वो भी डाल सकते हो, और भी है फेसबुक पेज है, बहुत सी 4-5 लिंक आप यहाँ डाल सकते हो। मेरे पास फिलहाल है नहीं ट्विटर और इंस्टाग्राम में मैंने बना रखा है, आगे देखता हूँ मैं भी अगर बनाऊँगा तो। तो ये थी बेसिक नॉलेज जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर समझ में आया तो चैनल को वीडियो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इस प्रकार की एक और नई वीडियो के साथ, आज के इतना ही, धन्यवाद।